नमस्कार, मेरा नाम सुखदेव प्रसाद मिश्रा है। मैं वायलिनिस्ट हूँ बनारस घराने से। मैंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अपने ताऊ जी स्वर्गीय पंडित नारायण दास मिश्र जी से गायन के रूप में प्रारंभ किया। सबसे पहले मैंने गाना सीखा उनसे और काफ़ी दिनों तक हम लोगों ने गायन की शिक्षा और परफॉर्मेंस भी किया। उसके बाद हमने वायलिन की शिक्षा प्रारंभ की, जो कि हमारे बड़े भाई पंडित सोमनाथ मिश्र जी से प्रारंभ किया। क्योंकि हमारा घर सारंगी प्रधान है, मीन्स हमारे घर में हमारे दादाजी परदादाजी सभी सारंगी प्लेयर, हमारे ताऊ जी और हमारे पिताजी भी सारंगी प्लेयर, हमारे दो भाई लोग सारंगी प्लेयर और हमारे तीन भतीजे लोग भी सारंगी बजाते हैं और एक छोटा वाला सीख रहा है। तो हमारे घर में सारंगी ज़्यादा है और तबला हमारे बड़े भाई और चाचा जी बजाते थे। तो हमारा जो रियाज हुआ वायलिन का, वो सारंगी के साथ हुआ, जो कि सारंगी गायकी का पूरा तरीका है, पूरा स्टाइल है। सारंगी मतलब गायकी अंग पूरा। तो हमारा जो उन लोग के साथ बैठ के रियाज करना हुआ, वो एकदम सारंगी का जो स्टाइल है, जो उनकी कुछ फिंगरिंग मैं अपने वायलिन में यूज़ करता हूँ, वो मैंने उन लोग के साथ प्राप्त किया। और फिर इसको इंस्ट्रूमेंटल का बहुत, जैसे कुछ बोइंग वर्क वेस्टर्न वायलिनिस्ट का या कुछ अलग जो हमारे सीनियर वायलिनिस्ट हैं उन लोग का देख के फिर हमने उसको कंबाइन किया। तो हमने ये सब को मिक्स करके एक नया स्टाइल, गायकी अंग और तंत्रकारी अंग दोनों को मिला के अपने परफॉर्मेंस में प्रस्तुत करने की कोशिश की है। और क्योंकि ये दोनों अलग अलग तरीके हैं, बहुत से वायलिनिस्ट गायकी अंग से पूरा बजाते हैं, बहुत से वायलिनिस्ट तंत्रकारी अंग से इंस्ट्रूमेंटल स्टाइल से बजाते हैं। बट अभी इस समय अगर आप इस सब को मिक्स करके अगर कोई अच्छा चीज़ निकल गया है तो वो ज़्यादा अप्रिसिएबल होता है। तो हमको बहुत अच्छा रिस्पांस मिला इसका, जब मैंने ये दोनों तरीके को और सारंगी का सब जो कि हमने बचपन से जिसमें हम बड़े हुए हैं, तो बहुत अच्छा रिस्पांस मिला लोगों का। तो हमने उसी तरीके से अपने वायलिन की परफॉर्मेंस को डेवलप किया। और अगर हमको आप लोग और सुनना चाहते हैं तो मेरा FB फेसबुक का पेज है सुखदेव प्रसाद मिश्रा के नाम से, आप वहाँ जा सकते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल है मेरे नाम से, वहाँ जा सकते हैं। इंस्टाग्राम है मेरे नाम से, सुखदेव प्रसाद मिश्रा के नाम से, तो वहाँ आप सुन सकते हैं।